हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी बीएड देश में दुकानों की तरह चल रहे हैं बीएड कॉलेज। दोस्तों, आजकल बीएड भी जिस तरह एक ग्राहक या कोई भी इंसान कोई किराना की दुकान कोई भी दुकान चलाता है, उसी तरह आजकल कॉलेज वाले बीएड को चला रहे हैं। बीएड एक धंधा बन चुका है, समझ लो इस समय। तो दोस्तों, यदि आपको बीएड करना है या फिर बीएड कर रहे हो तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ है। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो दें आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं कि देश में दुकानों की तरह चल रहे हैं बीएड कॉलेज। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता का बड़ा दारोमदार शिक्षक पर होता है, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने वाले कॉलेज दुकानों की तरह चल रहे हैं। कॉलेज बीएड और डीएड, दोस्तों तो डीएलएड भी आ गया है, वो भी समझो बीएड की ही तरह है। दोस्तों, बीएड और डीएड कॉलेज दुकानों की तरह चल रहे हैं, जहां सिर्फ डिग्रियों की खरीद फरोख्त होती है। जब तक यह बंद नहीं होगा तब तक शिक्षक शिक्षा की सत्यनिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों, आजकल तो लोग बच्चे देखते हैं एडमिशन करा देंगे तो केवल प्रैक्टिकल देंगे, एग्जाम देने काम खत्म, क्लास ही नहीं करते। तो आजकल समझो ये धंधा ही है एक तरह से। आपको देखो आगे बताएंगे क्या क्या इसमें कमियाँ हैं, कितनी वैकेंसी है, रिक्त हैं आखिर बीएड की। तो चलिए दिखाते हैं, आपको बता दे रहे हैं। कस्तूरी रंगन समिति द्वारा सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में शिक्षक बनाने वाले 17,000 संस्थान हैं। इनमें 92% निजी क्षेत्र के हैं, जो व्यावसायिक दुकानों की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, 92%, समझ लो 100 में से 90 कॉलेज ऐसे हैं जो दुकान की तरह चल रहे हैं, इन पर नियंत्रण नहीं है। ये संस्थान न्यूनतम पाठ्यक्रम की जरूरतें पूरी नहीं करते हैं, शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार आज शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। इससे शिक्षकों का समय नष्ट हो रहा है और वह बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में यही था। तो चलिए, हम आपको दिखा देते हैं आखिर बीएड के कितने पद रिक्त हैं। 10 लाख पद रिक्त हैं इसमें बीएड के। मसौदे में कहा गया है कि एक तो शिक्षा संस्थान खराब है, दूसरे जो थोड़े अच्छे कॉलेज से अच्छे शिक्षक भी आ रहे हैं वह इतने कम हैं कि ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो स्थिति यह है कि शिक्षकों को करीब 10 लाख पद खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 60 बच्चों पर एक शिक्षक हैं, जबकि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो दोस्तों, समझ लो जितने बच्चे हैं उसके डबल कम से कम होने चाहिए। 60 बच्चों पर 2 टीचर होने चाहिए, जबकि यहाँ पे गांव में समय एक ही बच्चे हैं, जिसकी 30 बच्चों पर अनिवार्य है कि एक टीचर होना चाहिए, लेकिन एक टीचर इस समय 60 बच्चे पढ़ा रहे हैं। अब विषयों की कमी, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने टीचर कम हैं किस किस विषय के। मसौदे में कहा गया है कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया गलत होने के कारण विषय के शिक्षकों की भारी कमी हो रही है। हिंदी का शिक्षक स्कूलों में गणित पढ़ा रहा है तथा विज्ञान का शिक्षक इतिहास पढ़ा रहा है। तो सोचो आप क्या पढ़ाएगा, जो साइंस साइड से विज्ञान पढ़ के आया है तो इतिहास में क्या पढ़ाएगा बच्चों को, समझ लो भविष्य ख़राब हो रहा है बच्चों को। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।